हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनिवाल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, गांधी गोट से एक युद्ध। जी हाँ दोस्तों, इसका ट्रेलर आज रिलीज हो गई है। दोस्तों, गांधी गोट से एक युद्ध इसका टाइटल है। दोस्तों, गांधी और गोडसे की कहानी ना, बचपन में मास्टर जी हमें पढ़ाया करते थे और कुछ कहानी किताबों से हमने पढ़ी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट टाइम जो आपको एक मूवी के ज़रिए गांधी और गोडसे की कहानी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कैसी है ये ट्रेलर। देखो, द कश्मीर फाइल। जी हाँ दोस्तों, द कश्मीर फाइल जो कि इसमें वो विलन के नाम रोल किए थे दोस्तों, वो इसमें गोडसे का रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों। अगर उनकी काम का बात करें, उनके रोल का बात करें, तो उनका जो ये रोल है गोडसे का, उन्होंने अपने रोल को ना 100% दिया है। बाकी जो गांधी जो रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम तो पता नहीं मेरे को, लेकिन वो भी शूट कर रहे हैं गांधी के रोल में ज़बरदस्त। जैसे देख के लग रहा कि नहीं ये है जो नोट में छपे हुए गांधी जी हैं ना, जैसे लग रहा कि नहीं ये गांधी दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी है उस दौर की। जी हाँ दोस्तों, जिस दौर में बंटवारा हुआ था हमारे देश का। जी हाँ दोस्तों, उस दौर की कहानी है। वैसे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमें गांधी और गोडसे के बारे में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि पढ़ा तो ज़रूर हूँ मैं बचपन में और स्कूल में, लेकिन माइंड से ना उतर गया है। तो दोस्तों, जो कि राजकुमार संतोषी इस मूवी का डायरेक्टर है दोस्तों, उन्होंने इस मूवी का डायरेक्शन किया है। तो दोस्तों, 3 मिनट 7 सेकेंड का ये ट्रेलर है। ट्रेलर से पता चल रहा है कि राजकुमार संतोषी का जो डायरेक्शन है काफ़ी अच्छी डायरेक्शन है। जैसे कि उन्होंने जो घायल जैसी फिल्म बनाया है, उसके बाद अंदाज अपना अपना मूवी बनाया, एक्शन मूवी कॉमेडी मूवी भी बनाया। इस बार वो एक ऐतिहासिक मूवी बोले तो, एक बोलते हैं ना वो हमारे इतिहास में जो लिखा गया जो हुआ है वो उस पर वो टॉपिक उठा के मूवी बना रहे दोस्तों। देखो यार, मूवी ऐसी ऐसी मूवी ना कंट्रोवर्सी में भी आ जाती है, आपको पता ही है ऐसी ऐसी फिल्में ना कंट्रोवर्सी में आ जाती है। इसकी वजह आप जानते ही है कि मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जानते हैं इसकी वजह क्या है दोस्तों। खैर जो भी हो दोस्तों, ये मूवी 26 जून को रिलीज़ हो रही है, जो कि रिपब्लिक डे है उस दिन, जिस दिन हम लोग तिरंगे के सामने से सर को उठाते हैं दोस्तों और जन गण मन गाते हैं। खैर फिल्में हैं, फिल्में तो आती रहती है, लेकिन गांधी गोडसे का जो ट्रेलर है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कट किया है, एक तरह से बोल सकते हैं सुपर कट है। जी हाँ दोस्तों, और देखो रिपब्लिक डे के मौके पर दो दो फिल्में आ जाएगी। एक तो आ रही है क्रांति सैंडलवुड की पैन इंडिया, दूसरी ये आ जाएगी गांधी गोडसे, और तीसरी मूवी हमारे शाहरुख खान बोले तो बॉलीवुड ऑफ किंग खान, जो कि एक दिन पहले 25 जनवरी को दस्तक दे देंगे। तो तीन तीन फिल्में हैं रिपब्लिक डे पर देखने के लिए। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है ऑडियंस उस दिन छुट्टी पर रहेगी पब्लिक पूरी, रिपब्लिक डे सब अपने अपने घर पे झंडा जलेबी उलेबी वगैरह खा के आराम से थिएटर में जाएंगे देखने। यार मैं भी जाऊँगा क्रांति देखूँगा या गांधी गोट से, हम लोग तो मूवी लबर जरूर जाएंगे देखने। खैर जो भी हो दोस्तों, मज़ा आएगा देखने में। बोले तो यार वीकेंड रहेगा तो अच्छी खासी गुजर जाएगी वीकेंड। तो दोस्तों, सुपर ट्रेलर बोले तो धमाकेदार है ट्रेलर। अब देखते हैं मूवी कैसी है, मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा, ट्रेलर इज द सुपर। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा गांधी गोडसे का ये ट्रेलर, आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और हाँ, इस ट्रेलर को अगर रेटिंग की बात करें तो फिलहाल के लिए मैं इस ट्रेलर को 4 स्टार दूंगा दोस्तों। फिर मूवी देखने के बाद बाकी का देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक्स करो, और वो जो बेल आइकन का घंटा है दबा देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।